हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्रोडे गाइड शिवाज भसीन में। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट अपने टॉप पे चल रही है और हम देख रहे हैं कि मार्केट अपने हर दिन नए हाइज बनाए जा रही है। सो किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है और मार्केट किस तरीके से जा सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। गाइस, हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहे हैं, चाहे मार्केट जितनी हाई हो। और हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें नए हाइज भी बनते जा रहे हैं। अब हमें किस स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, कैसे हमें स्ट्रैटेजी बनाए कि हम हर दिन 5 स्टॉक्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से आप कुछ स्टॉक्स में ट्रेड जब करेंगे या आपको बताया जाए तो 5 स्टॉक्स जो आपको बताते हैं हम, उसमें आप कुछ कुछ क्वांटिटी लेके आप हर 5 स्टॉक्स में ट्रेड करा करिए इंट्राडे पे, और आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न में निकलेंगे। सो गाइस, कौन से 5 स्टॉक्स है? कल है 20 दिसंबर, फ्राइडे का, शुक्रवार का दिन है, तो कौन से स्टॉक्स हम देखें और किस तरीके से हम आपको बताएं। सो सबसे पहले गाइज हम आते हैं येस बैंक की तरफ। तो येस बैंक का एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिस पे मैंने आपको 40 के लेवल से बताया था कि बाय करिए 40 के लेवल से। एग्जैक्ट मैं 4-5 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो अपलोड करी है, तो अब आप देख सकते हैं कि वो 40 से 50 आ चुका है और अभी भी इसके हायर टारगेट्स हैं। गाइज मैं ये बता दूं कि ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मेरी अभी ये होल्डिंग्स में है, पोर्टफोलियो इन द सेंस नहीं, ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से मेरे लिए होल्डिंग में है, जिसका मेरा टारगेट 60 रुपये का है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। सो अभी भी ये बाय है और एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस से निकला है, जो कि 48 का लेवल था और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। सो गाइज इसको बाय करते हुए चलिए, कल 1 या 2 रुपये की डिप मिल भी जाए तो भी बाय करिए, स्टॉप लॉस उससे नीचे रखिए और कई सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं येस बैंक के अंदर। लार्सन एंड ट्यूबो की बात करते हैं, तो गाइज लार्सन एंड ट्यूबो आप शॉर्ट करके चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पर एक बुलिश गाटले बनने वाला था, पर वहाँ पर रिवर्सल नहीं आया और वहाँ से हमने एक डीप डाउन करेक्शन देखा, और वो जो करेक्शन 1320 पे गाटले पैटर्न ड्रॉ होना था, उससे हम 1250 तक गए थे। सो गाइज वो पैटर्न का रिवर्सल नहीं आया, वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। अब हम 2 दिन से चार्ट्स पे देख रहे हैं, तो हमें चार्ट्स पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलरली जो उसका लेवल था 1310 का लेवल, और ये जो बीच एक रेंज थी 1310 से 1320 की रेंज थी, वहाँ पर ये बहुत बार कंसोलिडेट करता है, और वहाँ पर हमने देखा था जब उस सपोर्ट को तोड़ के वो 1250 तक गया था, और आज 2 दिन से ये 1310 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और नहीं जा पा रहा, तो हम देख पा रहे हैं गाइस कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है। सो कल आप इसे इंट्राडे पे शॉर्ट करके चल सकते हैं गाइस, 1306 के नीचे आपको शॉर्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, 1311 का इसका CMP है, 1298-1285 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लार्सन ट्यूबो के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 1320 का क्लोजिंग बेसिस के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गाइस सिप्ला की बात करते हैं, तो सिप्ला भी एक शॉर्ट कैंडिडेट है, क्योंकि गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि सिप्ला में भी एक रिवर्सल आ सकता है, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि फार्मा सेक्टर में एक रिवर्सल आया था, डॉक्टर रेड्डी साहब देखिए कितना बढ़िया काउंटर डॉक्टर रेड्डीज की है। सो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा, बस एक रेंज है, जिस रेंज का इसने ब्रेकडाउन दिया है, और वहाँ पर उसने जब ऊपर की तरफ गया तो वही रेंज उसका एक रेजिस्टेंस बन गया था, और वहाँ से अभी एक फिसलने की कोशिश कर रहा है। सो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, अगर हम फिबोनाची रेशियोज और सब कुछ इंक्लूड करके देखें तो जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंट्राडे के लिए 464-460 के, स्टॉप लॉस आपको 472.5 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस का रखना है, और 468 का CMP है। BPCL की बात करें तो BPCL भी एक शॉर्ट कैंडिडेट है, सेम सिप्ला जैसे रेंज का ब्रेकडाउन दिया है, सो एक शॉर्ट है, 493.5 इसका स्टॉप लॉस है, 490 का इसका CMP है, मतलब आप समझ लीजिए 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस है, और हम 8 रुपये का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो 1:2 का रेशियो BPCL भी दिखा सकता है शॉर्ट साइड में। लास्ट आते हैं इन्फोसिस पे, पर्टिकुलरली 2 दिन पहले गाइज 3 दिन पहले इन्फोसिस पे हमने देखा एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट देखा, तो 2 दिन से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर वो गिरता है, अपने ऊपर से गिरता है, और जो फ्लैग है फ्लैग पे सपोर्ट लेके वो बार बार ऊपर चले जाता है, और आज भी उसने ऊपर ही क्लोजिंग दी है, जो कि 730 का लेवल है। पर गाइस जो हम देख रहे हैं जो फ्लैग का वो है बना हुआ है, जो रेंज बनी हुई है, वो जो आती है वो 720 में आती है, तो यानी कि अपने फ्लैग एंड पोल से अभी भी 10 रुपये ऊपर है। सो आपको सलाह ये दी जाएगी कि कल अगर इन्फोसिस डिप देता है तो डिप पे आप बाय करिए इन्फोसिस को, 718 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कल नहीं तो परसों तक ये 743-750 तक के टारगेट्स आपको दिखा सकता है इन्फोसिस, क्योंकि
बुलिश तरीके से फ्लैग एंड पोल का एक ब्रेकआउट देखने को इन्फोसिस पर मिला है हमें। गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये 5 स्टॉक्स पे आप कुछ कुछ स्टॉक्स लेके, या अगर आपके पास थोड़ा फंड है तो आप हर 5 स्टॉक्स पे 500 500 500 इंट्राडे बेसिस पे ब्रैकेट ऑर्डर लगा के गाइस आप स्टॉक उठा सकते हैं। 50,000 या 30-40,000 में आप ये 5 स्टॉक्स के 500 500 स्टॉक्स आराम से ले लेंगे और आप ट्रेड ले पाएंगे। और डेफिनेटली मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि गाइज मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, क्योंकि गाइज हम देख रहे हैं कि न्यूज़ बैड न्यूज़ आ रही है, पर मार्केट नीचे से रिकवर कर जाती है, ऊपर से मार्केट में गिरावट आ जाती है। सो मार्केट एक वॉलेटाइल हो गई है, एक रेंज के अंदर फंस गई है। सो गाइज आपको सलाह यही दी जाएगी कि पूरे पूरे टारगेट्स तक वेट मत करिए, अपने प्रॉफिट को सेव करके रखिए, प्रॉफिट मिले एग्जिट करिए। क्योंकि अगर आप 5 स्टॉक्स में भी 500 500 स्टॉक्स लेकर 5 स्टॉक्स पे भी, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक स्टॉक से भी 500 रुपये अर्न करते हैं या 1,000 रुपये अर्न करते हैं, सो गाइज वहाँ से फिर आप डेफिनेटली, अगर आपको 5 स्टॉक्स में से 3 में प्रॉफिट होता है और 2 में लॉस होता है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हुए निकलेंगे। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। गाइस इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैं और कौन सी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँ। और गाइस जो आप देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से मैं आपको स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ, गाटले पैटर्न होता है, बैट पैटर्न होता है गाइस, साइफर पैटर्न होता है, हम देखते हैं बटरफ्लाई पैटर्न्स होते हैं, तो इसकी मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, स्टडी सीरीज, जो कि बैट पैटर्न सबसे पहला वीडियो होगा कैंडलस्टिक पैटर्न पे। कल वो वीडियो या आज रात तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। वो सारे जो ये टेक्निकल एनालिसिस हम आपको सिखाएंगे वो एक प्लेलिस्ट पे जाएगी। और गाइस एक सीरीज़ हम और स्टार्ट कर रहे हैं, वो सीरीज़ है पर्टिकुलरली सेक्टर रिलेटेड बेसिस पे, यानी कि हम एक सेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, एक हफ्ते तक उस सेक्टर की एक वीडियो बनेगी, उसके अंदर कौन से स्टॉक्स हैं और कौन, जैसा कि आपको पता है गाइस कि एक सेक्टर के अंदर कम से कम 10 से 15 स्टॉक्स होते हैं, हम उसमें से चुन के आपके लिए एक 5 से 6 स्टॉक्स लेकर आएंगे, जिसकी हर दिन एक वीडियो बनेगी और वो एक प्लेलिस्ट पे चली जाएगी। वहाँ पर जाके आप एक सेक्टर का नाम सर्च करेंगे तो गाइस आपको उसमें जो बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे और आप डेफिनेटली हर स्टॉक्स पे पैसा कमा पाएंगे। सो ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मोटिवेशन देते रहिए गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में चाहिए, या फिर आप वो चाहते हैं कि जो मैं सेक्टर पे 5 स्टॉक सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए हर दिन रेगुलर वो वीडियोज़ भी बनाते रहूँ, ये तो मैं रेगुलर आपके लिए बनाते रहूँगा। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो के साथ, मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।